कंगना रनौत ने साधा अक्षय कुमार और अजय देवगन पर निशाना। सोशल मीडिया पर कंगना के बयान से मच रहा है बवाल। आइए जानते हैं क्या है पूरी खबर। कंगना रनौत इन दिनों अपनी अपकमिंग फिल्म धाकड़ के प्रमोशन के लिए जोरों शोर से बिजी हैं। ऐसे ही एक इवेंट में कंगना रनौत ने एक बार फिर दावा किया कि उन्हें बॉलीवुड में लोकप्रिय हस्तियों से कोई समर्थन नहीं मिलता है। बॉलीवुड बोनोमी के बारे में अजय देवगन के बयान पर टिप्पणी करने के लिए पूछे जाने पर कंगना रनौत ने मिरर नाउ से बात करते हुए कहा कि अजय देवगन कभी भी मेरी फिल्मों को प्रमोट नहीं करेंगे। वे बाकी अन्य फिल्मों को सपोर्ट कर सकते हैं, उनको बढ़ावा देंगे, लेकिन मेरी फिल्म का प्रचार कभी नहीं करेंगे। कंगना रनौत ने वहीं अक्षय कुमार पर भी निशाना साधते हुए कहा कि अक्षय कुमार ने मुझे फिल्म थलाइवी के लिए फोन करके बधाई दी थी। अक्षय कुमार ने मुझे चुपचाप फोन किया मुझे बताने के लिए, हश हश, जो आप जानते हैं मैं आपकी थलाइवी से प्यार करता हूँ। इतना बोलने के बावजूद वो मेरी ट्रेलर को ट्वीट नहीं करेंगे। आखिर क्यों बॉलीवुड सेलिब्रिटी कंगना रनौत की फिल्मों को सपोर्ट या प्रमोट नहीं करते? ये पूछे जाने पर कंगना ने कहा कि मैं उन अभिनेताओं की तरफ से कोई जवाब नहीं दे सकती। मैं जवाब नहीं दे सकती कि वो ऐसा क्यों करते हैं। अमिताभ बच्चन मेरी फिल्म का गाना टीजर क्यों शेयर किया और बाद में उसे डिलीट कर दिया, मुझे नहीं पता कि वो ऐसा क्यों करते हैं। कंगना रनौत ने कहा कि अजय देवगन एक महिला केंद्रित फिल्म गंगूबाई में भूमिका निभाते हैं, लेकिन क्या वो मेरी फिल्म में ऐसा करेंगे? अगर वो ऐसा करते हैं तो मैं उनकी बहुत बहुत आभारी रहूंगी। अगर वे मेरी फिल्म का समर्थन देते हैं तो मैं अधिक आभार प्रकट करूंगी। मेरी फिल्म में कैसे अर्जुन रामपाल ने काम किया है कि अजय मेरी फिल्म में काम करेंगे? बेशक ये बिल्कुल स्पष्ट है कि वे ऐसा नहीं करेंगे। कंगना रनौत ने आगे कहा कि मुझे लगता है कि सभी अभिनेताओं को मेरा समर्थन करना चाहिए क्योंकि मैं उनका समर्थन करती हूँ। कंगना रनौत ने अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए कहा कि मैंने सबसे पहले द कश्मीर फाइल्स और शेरशाह जैसी फिल्मों की प्रशंसा की थी। मैंने सिद्धार्थ मल्होत्रा, यहाँ तक कि करण जौहर की फिल्म की भी प्रशंसा की। मैंने इसे खुले तौर पर किया, चुपचाप कॉल नहीं किया। मैं तो मानती हूँ कि बॉलीवुड में सबको एक दूसरे को सपोर्ट करना चाहिए, पर वो लोग नहीं मानते, लेकिन मुझे यकीन है कि ये बदल जाएगा। अब कंगना रनौत के इस बयान पर कई सोशल मीडिया यूजर्स भी अपने रिएक्शंस देते दिखाई दे रहे हैं। इस पर एक यूजर ने कमेंट करते हुए लिखा, अरे वो दोनों विमल बेचने में बिजी है बहन। इस पर रवि रेगर नाम के एक यूजर ने लिखा, पर्सनली फोन करके तारीफ करना तो ट्वीट करने से भी ज्यादा अच्छी बात है। अक्षय कुमार, इसी के साथ उन्होंने दिल की इमोजीज भी शेयर की हैं। तो मैं एक यूजर लिखते हैं, अजय देवगन और अक्षय कुमार की बात करके पब्लिसिटी स्टंट है कंगना के लिए और कुछ भी नहीं। तो एक यूजर ने लिखा, एक बात बताओ, कोई अगर इसकी मूवी प्रमोट ना करे तो वो बुरा, हाथ है दोगलेपन की यार, ये सबका पर्सनल चॉइस है। तो एक यूजर ने लिखा, कंगना का यही रोना होता है हर बार, वो एक्टर्स है, तुम्हारी पीआर टीम नहीं। अगर कोई कर रहा है प्रमोट नहीं तो भी ठीक है, वैसे उनकी खुद की फिल्म्स नहीं चल रही और यहाँ क्राई बेबी का नाटक फिर चालू हो गया। तो शशांक शेखर नाम के एक यूजर ने लिखा, मुझे इनका माइंडसेट समझ नहीं आता। कुछ दिन पहले तक सलमान को खान गैंग बोलकर गाली देती थी, अब वही सलमान अच्छे हैं, असल में एक खुदगर्ज लड़की है जो अपना फायदा देखती है। तो एक यूजर ने लिखा, जब भी इसकी कोई मूवी आती है ये पब्लिसिटी के लिए किसी ना किसी को टारगेट करती है, ये सब इसकी पॉलिटिक्स है अपनी मूवी हिट कराने की। ऐसे कितने ही सोशल मीडिया यूजर हैं जो इस पर रिएक्शंस देते हुए दिखाई दे रहे हैं। आपकी क्या राय है इस खबर के बारे में, अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें ताकि हर खबर आप तक जल्द से जल्द पहुंचे।